तो देखते ही देखते आईपीएल 2023 का पूरा एक हफ्ता बीत गया है और सभी टीमें तकरीबन दो दो मैच खेल चुकी हैं और अब हमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर आइडिया हो गया है कि सभी टीम किस गेम प्लान के साथ जा रही हैं। होम एंड अवे फॉर्मेट था तो अलग अलग जगह की कंडीशंस का भी हमें अब थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्पैक्ट प्लेयर का किस तरीके से सारी टीमें इस्तेमाल कर रही हैं, किस टीम की क्या स्ट्रेटजी है, आरआर की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग है, बाकी सभी टीमों की तकरीबन सेम स्ट्रेटजी हमें दिखाई दी है, कौन सी टीम ज्यादा इक्विप्ड दिखाई दे रही है इंपैक्ट प्लेयर का यूज करने के लिए, ये सारी ही चीजें अब हमें थोड़ी बहुत समझ में आ गई हैं। तो हमने सोचा कि सभी टीमों को एनालाइज किया जाए और वीक वन की रैंकिंग की जाए क्योंकि पलक झपकते ही आईपीएल 2023 का एक हफ्ता खत्म हो चुका है और बहुत ही तेजी से हम टूर्नामेंट के मेन स्टेज में जाने वाले हैं जहां पर सभी टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगी और सभी टीमों की कोशिश होगी कि जब तक आईपीएल आधा खत्म हो तब तक वो पॉइंट्स टेबल में टॉप चार में अपनी जगह पक्की रखें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली ताकि इसी तरीके की मजेदार एनालिसिस और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहें। एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 10th टीम ऑफ आईपीएल 2023 फ्रॉम वीक 1 इज मुंबई इंडियंस। अब आईपीएल 2023 में अभी तक मुंबई इंडियंस उन दो टीमों में से एक है जिसने अभी तक सिर्फ एक मैच खेला है, लेकिन उस एक मैच में जितने भी वीक पॉइंट्स थे मुंबई इंडियंस के वो सारे के सामने हमारे सामने आ गए। जिस तरीके से आरसीबी ने उन्हें एक बड़े मार्जिन से हराया, बड़ी जीत दर्ज की आरसीबी ने मुंबई इंडियंस पर, और शुरुआत में जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी की, वही रोहित शर्मा का फ्लॉप हो जाना, ईशान किशन की सेम दिक्कतें हमारे सामने रहीं और एक बार फिर से तिलक वर्मा जैसे यंगस्टर ने उनको बचाया है। और जो मुसीबत की बात मुझे दिखाई दे रही है मुंबई इंडियंस के लिए कि बाहर कोई ऐसा प्लेयर उनका वेट नहीं कर रहा है जो जैसे एसआरएच के साथ था कि बाहर कोई ऐसा प्लेयर नहीं बैठा है जो आएगा और आपकी टीम एकदम ही से स्ट्रांग हो जाएगी। यही मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्ट्रांगेस्ट 11 है, खास करके बल्लेबाजी तो यही आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और ईशान किशन और रोहित शर्मा के सलामी जोड़ी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, इट मे नॉट बी द बैड आइडिया टू प्रमोट कैमरन ग्रीन ओपन के लिए और रोहित शर्मा थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करें, मतलब कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल कैम को वो नंबर 3 पर खिला रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि देखना इसकी कैम ग्रीन को ऊपर बल्लेबाजी करनी होगी। और स्काई का प्रदर्शन, खास करके टिम डेविड जैसे खिलाड़ी का प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, देखना होगा ट्रिस्टन स्टेप्स को टीम कितनी जल्दी प्लेइंग 11 में इंट्रोड्यूस करती है। बट देखकर मुझे तो इस टीम की गेंदबाजी को खास करके देखकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और इसीलिए मुंबई इंडियंस आर द नंबर 10th टीम जहां तक पहले वीक की बात है। नंबर 9th टीम ऑफ वीक 1 फ्रॉम आईपीएल 2023 इज लखनऊ सुपर जायंट्स। अब आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग इस नाम को नंबर 9 पर देख करके काफी ज्यादा चौंक गए होंगे, बट जिस तरीके की लखनऊ सुपर जायंट्स का थिंक टैंक है, जितनी स्ट्रांग इनकी टीम है, पहले दो मुकाबले जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेले हैं उसमें दूसरा जो मुकाबला था उसमें मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स के थिंक टैंक और उनकी स्ट्रेटजी ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। एक तो वो निकोलस पूरन को जबरदस्ती फिनिशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नंबर 6 पर बल्लेबाजी करवा रहे हैं, इट माइट कम ऑफ इन फ्यू मैचेस बट इन द लॉन्ग रन लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी तरीके से निकोलस पूरन की पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रही है, खास करके मिडिल ओवर्स में जहां पर उनको एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन चाहिए वहां पर वो जबरदस्ती कृणाल पांड्या का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड इट इज कॉस्टिंग देम बिग टाइम। और अभी जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब एसआरएच और एलएसजी का मैच खेला जाना है, डी कॉक वापस आ चुके हैं, तो देखना होगा कि एलएसजी किस तरीके से उनको प्लेइंग 11 में एकोमोडेट करती है। बट दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मार्क वुड को ऋतुराज के सामने गेंदबाजी नहीं करवाई, दैट वाज अ वेरी पुअर डिसीजन। जो शॉर्ट सिलेक्शन था, आपके सामने वाली टीम में दो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, आपने केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे और आपने पूरन या कृणाल से पहले दीपक हुड्डा को ही नंबर 3 पर भेज दिया, दैट वाज आल्सो अ वेरी पुअर डिसीजन। और भी ढेर सारे, रवि बिश्नोई को 10 ओवर के बाद गेंदबाजी करवाना, तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं लखनऊ सुपर जायंट्स के इस समय मैनेजमेंट से और जिस तरीके से उनका प्लानिंग चल रही है, केएल राहुल की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 9। द नंबर 8th टीम फ्रॉम वीक 1 ऑफ आईपीएल 2023 इज दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी वही पंगा है जो मुंबई इंडियंस के साथ है, हालांकि मेरा मानना है कि कंपैरेटिवली दिल्ली कैपिटल्स इज अ बेटर लुकिंग यूनिट ऑन पेपर देन मुंबई इंडियंस, लेकिन वो भी अपनी तकरीबन
फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ ही दोनों मैच खेले हैं। पहले मैच में चलिए एंड्रकनॉर की अवेलेबल नहीं थे, दूसरे मैच में वो अवेलेबल थे, उन्होंने दो विकेटें भी चटकाई, बट दे आर चेंजिंग टू मेनी थिंग्स टू फास्ट। एक तो पहले आपने सरफराज को कीपर बना दिया। मैं हमेशा से अपनी वीडियोज में बोलता था कि सरफराज खान शुड नॉट बी योर विकेट कीपर इन अ टूर्नामेंट लाइक IPL, लेकिन आपने वो गलती की। उसके बाद आपने उसका बहुत जल्दी ओवर करेक्शन कर दिया, फिर आप वहां पर आपने अपना कीपर चेंज कर दिया, उसके बाद आप राइली रोसो के साथ ऑलरेडी बने हुए हैं, रॉबिन पावल को आपने ड्रॉप कर दिया, टॉप ऑर्डर के सारे बल्लेबाजों को आप 1, 2, 3, 4, 5 पर खिला रहे हो, तो चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट जल्दी करनी पड़ेंगी दिल्ली कैपिटल्स को। और डेविड वार्नर जो रन बनाए हैं वो रन उनको थोड़े से और बेहतर स्ट्राइक रेट पर बनाने पड़ेंगे, वरना दिल्ली कैपिटल्स के आगे बहुत परेशानी आ जाएगी। मिचेल मार्श का फॉर्म में जल्द से जल्द आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्षर पटेल की बैटिंग पोटेंशियल का भी वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो भारतीय तेज गेंदबाज है खास करके खलील अहमद, वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं और उस तरीके की प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जितना कम से कम मैंने उनसे एंटिसिपेट किया था। तो जल्दी ही दिल्ली कैपिटल्स को अपनी चीजें दुरुस्त करनी होंगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। नंबर 7th टीम फ्रॉम वीक 1 ऑफ IPL 2023 इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दो में से एक जीत एक हार है, एक बहुत ही बड़ी जीत अच्छी जीत मिली और दूसरे मैच में बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। और रिस टोपली की इंजरी हो जाने के बाद टीम थोड़ी सी और ज्यादा हल्की दिखाई पड़ रही है। हर्षल पटेल की फॉर्म पर किसी को पहले से भरोसा नहीं था कि हर्षल पटेल इस साल डेथ में अच्छी गेंदबाजी करेंगे। मोहम्मद सिराज को डेथ में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पुअर डिसीजन है मेरे ख्याल से। अगर आप डेविड विली को ही डेथ में गेंदबाजी कराओ लेफ्ट आर्म एंगल की वजह से, तो शायद थोड़ा सा बेहतर विकल्प वो हो सकते हैं मोहम्मद सिराज से। और अब वेन पर्नल को लेकर के आए हैं, जब तक जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं होते तब तक आपको वेन पर्नल ही गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन डेथ ओवर दोनों ही मैचों में खास करके RCB को डेथ में बहुत ज्यादा परेशानी आई, और जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो भी उस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा है दोनों मैचों में। पहले मैच में तो ज्यादा बारी ही नहीं आई, और दूसरे मैच में जिस तरीके से बारी आई, मैक्सवेल ने जिस तरीके के शॉट्स खेले और अनुज रावत को नंबर 8 पर एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल किया, लोमरोर और प्रभु देसाई की तो उन्होंने उस तरफ देखा ही नहीं। तो ये भी थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है कि इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया, खास करके जब सामने वाली टीम में दो अच्छे मिस्ट्री स्पिनर हैं जो कि राइट आर्म से गेंदबाजी करते हैं, यानी कि ऑफ स्पिन के चांसेस हैं सामने वाली टीम में। नितेश राणा का भी एक एबल ऑप्शन था उनके पास, हालांकि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो थिंक टैंक भी किस तरीके से सोच रहा है वो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और विराट और फफ पर इस समय टीम पूरी तरीके से डिपेंड दिखाई दे रही है। पाटीदार के तौर पर एक पेसर लेकर के आए रिप्लेसमेंट, तो वो भी मुझे थिंक टैंक का डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है, और इसी वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आर द नंबर 7 ऑन माय लिस्ट। नंबर 6 टीम फ्रॉम वीक 1 ऑफ IPL 2023 इज कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले भी हम यहां पर चैनल पर बात कर चुके हैं कि मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, और वो होना ही था क्योंकि मेगा ऑक्शन में इन्होंने अच्छा काम नहीं किया था। तो नया कोच, नया कप्तान है इस साल, और श्रेयस अय्यर का ना होना इनके लिए एक और बड़ा झटका था। हालांकि लोकी फर्गसन की इंजरी भी इज एडिंग टू देयर वोज, और वो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द लोकी फर्गसन फिट हो जाए, बिकॉज उमेश यादव और टिम साउदी थोड़े से एक तरीके के गेंदबाज हो जाते हैं, स्विंग गेंदबाज, हालांकि उमेश की स्पीड थोड़ी ज्यादा है। तो लोकी फर्गसन का पेस उनको हर हाल में चाहिए। उनकी स्पिन ट्रियो जो है, जिसमें सूरज शर्मा इज द लेटेस्ट एडिशन, अगर ईडन गार्डन्स में उसी तरीके की विकेट रहती है, हल्की सी स्लो, हल्की सी टर्न, तो ये तीनों वहां पर बहुत ही घातक हो सकते हैं। और इस साल थोड़ा सा विकेट का मिजाज भी बदला है, लेकिन बल्लेबाजी में इस टीम को जल्द से जल्द सुधार करने पड़ेंगे, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी, रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने आपको बचा लिया, और उसके बाद आपके स्पिनर्स ने आपका काम कर दिया, वरना आपके टॉप ऑर्डर ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी KKR को मुसीबत में डालने के लिए। रहमानुल्लाह गुरबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की, बट आई थिंक सूनर और लेटर ही विल बी रिप्लेस्ड बाय जेसन रॉय। नारायण जगदीशन अब आपको इस टीम में दिखाई देंगे। वेंकटेश अय्यर पर जल्द ही आपको फैसला लेना पड़ेगा, बिकॉज ना वो स्विंग के आगे कंफर्टेबल दिखते हैं, ना वो पेस के आगे कंफर्टेबल दिखते हैं, और जल्दी जल्दी आप अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हो। दो मैचों में दो कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर चुके हो, सेम मिस्टेक जो आपने लास्ट ईयर की थी, उससे जल्द से जल्द सीखना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स को। नितेश राणा ने जिस तरीके का शॉट खेला, कप्तान हो, थोड़ी सी और अच्छी बल्लेबाजी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते, एक एक मौका आपके लिए कीमती है। KKR जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी की आप कप्तानी कर रहे हो, तो थोड़ा सा और आप समय ले सकते हो, खास करके जब दो विकेटें आपकी गिर गई हैं, कम से कम रिवर्स स्वीप तो नहीं ही मारना चाहिए था। तो उम्मीद है कि नितेश राणा अच्छी बल्लेबाजी आगे आते हुए मैचेस में करेंगे, बट राइट नाउ दे आर एट नंबर 6 ऑन माय लिस्ट। नंबर 5th टीम ऑन माय लिस्ट इज सनराइजर्स हैदराबाद। अब पहले मैच
मैच में जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स का कहर हैदराबाद पर टूटा था, आप सोच रहे होंगे कि हैदराबाद को मिडिल ऑफ द टेबल क्यों रखा है, इनको तो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। बट अभी तक एक ही मैच खेली है सनराइजर्स हैदराबाद और अपनी आधी टीम के साथ खेली थी, उसमें उनके कप्तान एडन मार्करम जो कि इस समय कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, वो उनके साथ नहीं थे। और उसके साथ साथ हेनरिक क्लासेन जो कि उन्हीं के साथ साउथ अफ्रीका में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी उनके साथ नहीं थे। और आज दूसरा मैच होना है उनका लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने लखनऊ में। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि एलएसजी इस मैच को जीतने की फेवरेट है, लेकिन जिस तरीके की थिंक टैंक एलएसजी चला रही है, अगर हैदराबाद उनको वहां पर पिप करती है तो यू कैन सी अ वेरी गुड मैच। और मेरे हिसाब से हेनरिक क्लासेन ग्लेन फिलिप्स को भी रिप्लेस करेंगे। तो जब तक फुल स्ट्रेंथ टीम उनकी नहीं खेलती, उनके बारे में ज्यादा बात यहां पर नहीं की जा सकती। देखना होगा कार्तिक त्यागी को कितना मौका मिलता है, क्योंकि मेरे ख्याल में उनको भी अब देखना पड़ेगा हैदराबाद को नटराजन और भुवनेश्वर में, अब वो बात नहीं दिख रही है। और मेरे हिसाब से दोनों एक साथ प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सकते, खास करके जब आप पहले गेंदबाजी कर रहे हो। तो यंगस्टर को आपको लाना पड़ेगा यहां पर, स्पिनर्स को भी थोड़ा सा हाथ अपना खड़ा करना पड़ेगा। मयंक अग्रवाल पर यह टीम बहुत ज्यादा डिपेंड है, बट एक ही मैच हुआ है, तकरीबन आधी टीम के साथ हुआ है। आई वुड होप कि जब सारी टीम खेलेगी तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस होगा। और इसलिए ना मैंने उनको बॉटम चार पे रखा है, ना टॉप चार पे रखा है, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैंने उनको रखा है एट नंबर 5। फोर्थ टीम फ्रॉम वीक 1 ऑफ आईपीएल 2023 इज चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरीके से पहले दो मैचेस में बल्लेबाजी की है, और जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और महेशा थीक्षणा और सिसांडा मंगाला के अवेलेबल हो जाने के बाद थोड़ी सी गेंदबाजी में भी इस टीम को धार मिलेगी, तो मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स कुड बी अ टीम टू बीट इन द कमिंग मैचेस, बिकॉज खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से फॉर्म में दिखाई दिए हैं, मार्क वुड जैसे तेज तर्रार गेंदबाज को जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे हैं, और मोइन अली ने भी कुछ थोड़े बहुत हाथ खोले थे पहले मैच में, उन्होंने भी दिखाया था कि व्हेन ही गेट्स गोइंग ही कैन टॉन्क इट द लॉन्ग वे। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि जहां पर आप बाहर जब खेलोगे चेन्नई से, तो एक स्पिनर कम करके चाहे आप सेंटनर या थीक्षणा को ना खिलाओ, आपको एक तेज गेंदबाज खिलाना पड़ेगा अगर आपने मोइन अली को खिलाना ही खिलाना है। और शिवम दुबे के ऊपर भी मैं बहुत ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस अब रह नहीं रहा है, अगर आपको एक्स्ट्रा बल्लेबाज की जरूरत पड़ती है तो मेरे ख्याल से जल्द ही आपको निशांत सिंधु भी इस टीम में दिख सकते हैं इन द प्लेस ऑफ शिवम दुबे। लेफ्ट हैंडर हैं और स्पिन का ऑप्शन भी आपको देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी चीजें अगर चेन्नई सुपर किंग्स दुरुस्त करती है, बिकॉज दीपक चहर, तुषार देशपांडे, हांगरेकर, ये आपका बॉलिंग अटैक नहीं हो सकता, खास करके मुकेश चौधरी की अनअवेलेबिलिटी में आपको प्रिटोरियस या मंगाला में से किसी एक तेज गेंदबाज को जरूर खिलाना पड़ेगा, और जब सीएसके वो करेगी तो थोड़ी सी और ज्यादा बेहतर यूनिट हमें दिखाई देगी। थर्ड टीम फ्रॉम वीक 1 ऑफ आईपीएल 2023 इज राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स थोड़े से फ्लेक्सिबल दिखाई दिए हैं जहां तक इंपैक्ट प्लेयर के रूल की बात है। पहले गेंदबाजी कर रहे थे अपने दूसरे मैच में पंजाब किंग्स के सामने, रन भी ठीक ठाक पड़ रहे थे, बट इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उन्होंने गेंदबाज नहीं लिया, पांच ही गेंदबाजों के साथ बॉलिंग की, प्लेइंग 11 में भी गेंदबाज को नहीं रखा, और थोड़ा सा अपनी बैटिंग बढ़ाने पर ज्यादा काम किया है, लेकिन पर्टिकल नंबर 4 पर उनको परेशान कर रहे हैं। हमने पहले भी बात की थी ट्रेड विंडो के समय से, मैं आपको बता रहा हूं कि पर्टिकल नंबर 4 पर नहीं खेल सकते, कुछ भी करके आपको उनको ट्रेड कर देना था, बट काफी लोगों से बात की, वहां पर ट्रेड भी पूरी नहीं हो पाई राजस्थान रॉयल्स की, तो वहां पर भी उनको दिक्कत आ रही है मिडिल ओवर्स में। और अगर आपको पर्टिकल को खिलाना है तो नंबर 3 पर खिलाना पड़ेगा, संजू सैमसन को अनफॉर्चुनेटली नंबर 4 पर जाना पड़ेगा, उसके बाद हेतमायर और रियान पराग को आप खिला सकते हो, बट फॉर द टाइम बीइंग आप पर्टिकल को 4 पर भरोसा नहीं जता सकते। ध्रुव जुरेल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, कमाल की बल्लेबाजी, उससे भी थोड़ा मोटिवेशन आया होगा यहां पर राजस्थान रॉयल्स को, और हो सकता है कि पर्टिकल की जगह वो आपको फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में भी दिखाई दे बनस्पत इंपैक्ट प्लेयर के। गेंदबाजी यहां पर ठीक ठाक है, मेरे ख्याल में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एक एक्स्ट्रा गेंदबाज आपको कैरी करना पड़ेगा अगर आप अच्छी बैटिंग विकेट पर खेल रहे हो, लेकिन पहले मैच में कमाल की बल्लेबाजी तोड़ फोड़ मचा कर जीते हैदराबाद के सामने, और दूसरे मैच में जीतते जीतते रह गए पंजाब किंग्स के सामने। तो अच्छी क्रिकेट खेली है पंजाब किंग्स, जो एक समय 200 के पार जाते दिख रहे थे, उनको 200 के नीचे रोका, उसके बाद चेजिंग में यंगस्टर्स ने अच्छे हाथ दिखाए, तो फ्यूचर लुक्स ब्राइट, और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 3। सेकेंड टीम ऑफ आईपीएल 2023 फ्रॉम वीक 1 इज पंजाब किंग्स। सरप्राइजिंगली मैंने नहीं सोचा था कि लियाम लिविंगस्टन और जॉनी बेयरस्टो की गैर मौजूदगी में पंजाब किंग्स विल विन 2 out of 2 मैचेस, बट दे हैव। प्रभ सिमरन सिंह ने दोनों ही मैचों में पंजाब को कमाल की शुरुआत दी है। बनूका राजपक्ष पहले मैच में चल गए, उसके बाद उनका मिडिल ऑर्डर दूसरे
दूसरे मैच में सबने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया, खास करके जितेश शर्मा ने, तो वहां पर भी अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। उसके बाद सैम करन की बल्लेबाजी का थोड़ा और ज्यादा ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और शिखर धवन ने भी सेकेंड मैच के बाद माना कि बीच में वो थोड़े से स्लो हो गए थे और उसको वो जल्द ही एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी अच्छी चीज है कि ही इज नॉट इन डिनाइल बट एक्सेप्टिंग कि ही नीड्स इंप्रूवमेंट ऑन द स्ट्राइक रेट स्पेशली इन द मिडिल ओवर्स। और जिस तरीके से आखिरी में राजस्थान रॉयल्स उनके ऊपर अटैक कर रही थी, उसके बाद सैम करन हेल्ड हिज नर्व, अर्शदीप सिंह हेल्ड हिज नर्व, तो दोनों ही लेफ्ट आर्म पेसर उनके पास है, विच इज काइंड ऑफ एन एक्स फैक्टर। नेथन एलिस के साथ वो परसिस्ट कर रहे हैं, विच इज गुड टू सी कि इन फॉर्म गेंदबाज जिसने आपके लिए दो मैचों में अच्छा किया है, आप उसी के साथ परसिस्ट कर रहे हो। एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर हरप्रीत ब्रार कम्स इन टू द पार्टी, राहुल चहर कम्स इन टू द पार्टी, और लियम लिविंगस्टन जब इस टीम को ज्वाइन कर लेंगे तो सिकंदर रजा की जगह वो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे। और इसीलिए पंजाब किंग्स आर द नंबर सेकंड टीम ऑन माय लिस्ट। नंबर वन टीम फ्रॉम वीक वन ऑफ आईपीएल 2023 इज गुजरात टाइटंस। अनसरप्राइजिंगली गुजरात टाइटंस ने हैव कैरीड ऑन देयर फॉर्म फ्रॉम लास्ट ईयर, डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह वो आए थे और डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही उन्होंने खेल दिखाया है। जिस तरीके से दोनों मैचेस वो जीते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को पहले मैच में हराया, उसके बाद दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स पर जिस तरीके से दबदबे वाली जीत उन्होंने दर्ज की, एक कम स्कोर पर रोका, बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया और उसके बाद आराम से उसको चेस कर दिया। साई सुदर्शन हैज बीन अ क्लास अपार्ट इन बोथ द गेम्स। शुभमन गिल ने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, डेविड मिलर ने आते के साथ ही अपना रन दिखाया है। बस जो एक चीज गुजरात टाइटंस को अखर रही होगी वो है कप्तान हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी की फॉर्म, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हाल फिलहाल में उन्होंने कोई बहुत रन नहीं बनाए हैं और इस टूर्नामेंट में भी अभी तक थोड़े से आउट ऑफ कलर दिखाई दिए हैं। तो वहां पर गुजरात टाइटंस को जरूर देखना होगा, बिकॉज पहले तो उनको हाई क्वालिटी पेस के सामने दिक्कत आती थी, स्विंग तो वो ज्यादा खेलते नहीं है बिकॉज ही बैट्स इन द मिडिल ओवर्स, तो हाई क्वालिटी पेस के सामने उनको दिक्कत आती थी, और अब स्पिन पर भी जो वो एक प्रहार करते थे, एक दबदबा बनाते थे, थोड़ा सा भौकाल दिखाते थे, वो अब थोड़ा मिसिंग दिखाई दे रहा है बिकॉज वो गेम को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कई बार इंटरव्यू में बोला है आई डोंट नो व्हाई ही इज ट्राइंग टू डू दैट, दैट इज नॉट द वे ही शुड डू इट। उनको अपना नेचुरल गेम और अटैकिंग गेम स्पेशली स्पिनर्स के सामने ही खेलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उस चीज को अगर एडजस्ट करती है गुजरात टाइटंस तो थोड़ी सी और ज्यादा खतरनाक टीम हो जाएगी, बिकॉज हार्दिक पांड्या इस टीम के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। गेंदबाज से ज्यादा मेरा मानना है हार्दिक पांड्या द बैट्समैन की इस टीम को ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर स्टिल द बेस्ट टीम फ्रॉम वीक वन ऑफ आईपीएल 2023। तो आपको आईपीएल 2023 का पहला हफ्ता कैसा लगा और आपके हिसाब से कौन सी टीम आपकी नजर में खतरनाक दिखाई दे रही है और प्लेऑफ की तरफ जल्दी जाते हुए दिखाई देगी, कौन सी टीम कमजोर है, किसको काम करना होगा, आपकी फेवरेट टीम के क्या हाल चाल चल रहे हैं, फटाफट से सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। इफ यू न्यू हियर मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली सो दैट इसी तरीके की इंजॉयबल मजेदार और एनालिटिकल वीडियोज आपको मिलती रहे थ्रू आउट द आईपीएल 2023। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीक।